सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक रात अनजान शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खोलने पर उनके घर में 500 रुपए का नोट फेंककर चला गया। शक है कि इस नोट पर थूक लगाकर छोड़ा गया था ताकि कोरोना वायरस फैल जाए। नोट जिनके बिना किसी का काम नहीं चलता, नोट जो जरूरत का हर सामान खरीदने के लिए जरूरी है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नोटों के जरिए भी कुछ लोग कोरोना वायरस फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ये वायरल वीडियो शायद आपको भी व्हाट्सएप पर मिला हो, जिसमें एक महिला और एक लड़का ये दावा कर रहे हैं कि उनके घर पर कोई 500 का नोट फेंक गया और ये कोरोना वायरस फैलाने की साजिश हो सकती है। सुबह एक आदमी आया था, बेल किया उसने, लेकिन मैंने ओपन नहीं किया। और अभी मैं रात को 120 को देख रही हूँ, 500 का नोट वहाँ पर उसने फेंक दिया है। इस वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि इनके घर में संक्रमण फैलाने की कोशिश नोट के जरिए से की गई है। तो एक 500 रुपीस का नोट नीचे गिरा हुआ है, सो दैट ऑब्वियसली हम लोग उसको टच करें और वायरस सवाल ये कि क्या इंसान के हाथ से कोरोना वायरस नोटों पर भी आ सकता है? क्या नोटों से कोरोना वायरस फैल सकता है? क्या नोट के कागज पर कोरोना वायरस जिंदा रह सकता है? कोरोना वायरस से दूर रहने की ढेरों योजनाएं बना ले, लेकिन ये रुपया दुनिया भर की सैर करके आपकी जेब तक सीधे जा पहुँचता है। ऐसे में इस दावे की पड़ताल जरूरी है कि क्या सच में नोट भी जानलेवा वायरस फैला सकते हैं। गूगल पर जब हमने इस दावे की पड़ताल शुरू की तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च की एक रिपोर्ट हमें मिली। इस संस्थान में 2018 में नोटों पर एक रिसर्च की गई थी। साल 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च में एक रिसर्च छपी। रिसर्च के लिए महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से नोट जमा किए गए। IJSER के शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के बुलढाणा से 100, 50, 20 और 10 रुपए के नोट इकट्ठा किए। ये नोट बैंक से नहीं बल्कि आम लोगों से अलग अलग जगहों पर लिए गए। जाँच में पता चला कि नोट कई खतरनाक बीमारियाँ फैला सकते हैं। नोटों पर EColi बैक्टीरिया मिला, जिससे पेट की गंभीर बीमारी होती है। नोटों पर टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारी फैलाने वाला साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया भी था। इस जांच के मुताबिक वायरस नोट से भी फैल सकता है। नोट भी एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर कोई बंदा खांसता है, छींकता है और खांसने और छींकने के बाद ड्रॉपलेट्स नोट्स के ऊपर आ जाते हैं तो नोट भी संक्रमित हो जाएगा। और नोट से अगर कोई छूता है और छूने के बाद उसको नाक या मुंह में या आंख में ले जाता है तो उसको संक्रमण का खतरा रहता है। IJSER पर जिस रिसर्च की बात हम कर रहे हैं उसने तो ये दावा भी किया है कि हॉस्पिटल नगर पालिकाओं के कैश काउंटर से आने वाले नोट तो और भी ज्यादा इन्फेक्शन फैला सकते हैं। एक दूसरी रिपोर्ट भी है। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और पल्मोनरी मेडिसिन की पड़ताल में भी यही दावा था। KGMU के माइक्रोबायोलॉजी और पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में 500 रुपए, 5 रुपए के नोटों और 48 सिक्कों की जांच की गई। इन पर बैक्टीरिया, फंगस और बीमारी फैलाने वाले कई दूसरे जीव पल रहे थे। नोट गिनने और से पहले और नोट गिनने के बाद आपको हैंड हाइजीन फॉलो करना है, मतलब हाथों को अच्छे से धोना है। और नोट पे भी मैंने पहले ही बताया कि जो जीवित रहने वाली बात है कोरोना वायरस की, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है और सरफेस कैसी है। तो कुछ घंटे से लेके कुछ दिन तक नोट पे भी जिंदा रह सकता है। रुपयों का मामला जरा अलग है। US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की डर्टी मनी अ मैटर ऑफ बैक्टीरियल सर्वाइवल के शीर्षक में छपी एक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि बैक्टीरिया या इन्फेक्शन नोटों पर आसानी से टिक जाता है क्योंकि नोट कुदरती फाइबर से बने होते हैं, न कि प्लास्टिक या केमिकल से। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग बाग हर जरूरी कदम उठा रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया अपील करता है कि नोटों का लेन देन करते हुए सावधान रहें, लगातार हाथ सैनिटाइज करते रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें।
न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये सवाल सही साबित हुआ है कि नोटों के जरिए भी कोरोना वायरस फैल सकता है।